देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में देश की आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। मामला जिला मुख्यालय स्थित खादी ग्रामोद्योग विभाग के दफ्तर का है, जहां तिरंगा फहराने की जल्दी में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने तिरंगे को उल्टा फहरा दिया और दफ्तर बंद कर चलते बने। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद स्थानीय लोग और समाज से भी सरकारी मुलाजिमों की इस हरकत से खासे नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने आए प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता से जब मीडिया ने सरकारी विभाग की लापरवाही को लेकर सवाल पर कार्रवाई की बात पूछी, तो उन्होंने ऐसे विभाग के लापरवाह लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात का दावा किया। अब देखना होगा कि ऐसे गैर जिम्मेदार सरकारी और कर्मचारियों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिव शंकर मोदनवाल की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, आजादी को 70 साल हो गए, इसके बाद भी अगर कहीं कोई इस तरह की चूक होती है, गलती करती है, ये निंदनीय है, मैं लिखवा लेता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।